अरे मेरे जूते कहाँ हैं? क्यों? उन्नाव जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? अरे आप भी चलिए उन्नाव। वहाँ एक बाबा को सपना आया है कि उन्नाव की जमीन के नीचे बहुत सारा सोना निकला है। अरे यार मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, कुछ सोना मैं भी टाप लूंगा, मांग लूंगा यार। हाँ हाँ मांग लो, वैसे भी तुम मांगने में एक्सपर्ट ही हो। मुझसे मांग मांग के तो अपना जीवन बिता रहे हो तुम। क्या कह रहे हो यार, लोग देख रहे हैं चांदनी। अरे ये लोग तो रोज रात 10 बजे हमें देखते हैं, इनसे क्या छुपाना। बहरहाल जो भी हो, अगर बाबा का सपना सच हुआ ना तो मुझे भी सपनों पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि बाबा को तो सपना आया सोना का और मुझे सपने में आती है सोना। रीटा, कोमल, मंगल, कौन कौन, मेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे भगवान। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं जूते ढूंढ रहा था बस। जूते कहाँ रख दिए यार? भाई जज्बात काबू में रखो, ऐसा ना हो कि जज्बात हर्ट हो जाएं। यार तेरे जज्बात है, तू समझना उन्हें हर्ट कर या नहीं कर, मुझसे क्यों पूछता है। मैं चला। नंदू, नंदू कम हियर, नंदू। लगता है भाई आज फिर से बेवकूफ बनने वाले हैं, सब अपने आलस के कारण। आपको पता है 5 दिन पुराना न्यूज़पेपर पढ़ के अब एक्शन में आए हैं। पहले बाबा शोभन सरकार से पिटेंगे और उसके बाद घर आके भाभी से धुलाई खाएंगे रेगुलर वाली। इधर आइए। क्या है ना, गवर्नमेंट वहां गई तो थी सोना खोजने के लिए, लेकिन उनको वहां मिली मिट्टी और बच्चों की, आप समझ ही गए होंगे। तो अब भाई और बाबा दोनों के सपने चकनाचूर होने वाले हैं। मैं भी जाके मजे लेता हूं, बाय। हेलो हेलो खुशबू? नहीं मैं चांदनी बोल रही हूँ। अरे मैं खुशबू बोल रही हूँ। आप मुझे खुशबू क्यों बोल रही हैं? अरे चांदनी क्या हो गया तुझे, मैं तुझे नहीं अपने आप को खुशबू बोल रही हूँ इडियट। देखिए आप अपने आप को कुछ भी बोलिए लेकिन मुझे इडियट मत बोलिए। क्या हो गया यार तुझे? मैं खुशबू बोल रही हूँ बैंगलोर से। अरे खुशबू, अरे हाउ आर यू, कैसी हो तुम? बहुत जल्दी पहचान लिया तूने। अरे तेरी आवाज तो मैं हजारों में पहचान सकती हूँ पगली। अच्छा चलिए सब बातें छोड़, ये बता अमृता कैसी है? सुना है उसका पति बहुत अच्छा है। अच्छा है? छिछोरा है, छिछोरा। छिछोरा? लड़कियों को देख के उसका मुंह खुल जाता है। अरे लड़कियों को देख के ना उसकी लार टपकने लग जाती है। मैंने तो सुना है कि अपनी पड़ोसन को फ्लाइंग किस भी देता है, घटिया आदमी। यू नो ये सब के सब मर्द ना एक जैसे ही होते। सारे मर्दों का तो पता नहीं पर मेरा नंदू ऐसा नहीं है। अच्छा जी आ जा रहे हो ना, मिल लूंगी तेरे पति से भी। हाँ मिल लेना मिल लेना, और जो भी तेरी मर्दों के बारे में राय है ना वो नंदू को देख के बदल जाएगी। ओके देन बाय। नंदू नंदू क्या हुआ भाभी? तुम्हारा नाम नंदू है? मेरा नाम पप्पू है भाभी, आपको इतने दिन में मेरा नाम तक याद नहीं हुआ? मैंने नंदू को आवाज दी थी। ये खून देते सुना है, दिल देते भी सुना है, भाभी आवाज कैसे देते हैं? ओ जस्ट शट अप पप्पू, जाओ नंदू कहाँ है देखो। अच्छा लेकिन भाई है कहाँ? इसलिए तो बोल रही हूँ। मैं देखता हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। भाभी भाभी मैं आज आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। मेरी आंखें पहले से खुली है। अरे वो वाली नहीं भाभी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? आइए ना है? अरे
नंदू मक्खी मक्खी बहुत हो गई है चंदू बकौत। नंदू तुम वहाँ क्या देख रहे थे? वहाँ वो देखो वहाँ एक कौवा बैठा है पेड़ के ऊपर, कई दिनों से भूखा बैठा है चंदू। नंदू तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और राइटर हमेशा सेंसिटिव होता है। मुझे ना कौवों की भूख नहीं देखी जाती चंदू। ओ नंदू देखा, इसे कहते हैं भला आदमी, इनकी भलाई देखी है? चलो नंदू आओ। पानी दे दे भाई, देखो पानी कौवे के घोंसले तक ही पहुंचना चाहिए। देखिए भाभी काने कौवे की भलाई, इसका कौन भला करेगा? भगवान। नंबर दो नंबर। क्या हुआ अंकल? अरे भाई हुआ नहीं, ट्राई कर रहा हूँ। किसकी किसकी? उधर क्या देख रहे हो? खिड़की देख रहा हूँ। तुम्हारे घर में खिड़की नहीं है? है लेकिन बंद है। कौन बंद है? खिड़की। कहाँ बंद है? मेरे कमरे में। यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बातें कर रहा हूँ। अरे मुझसे बातें करने से पहले क्या कर रहे थे? अरे उसका इंतजार। किसका? हाँ किसका? अबे 150 साल का टर्की। स्टुपिड। दिवाली के साथ ना सारे ऑफर्स खत्म हो गए, अब पेन कहाँ से खरीदूं मैं? नंदू हाँ? जल्दी करो यार, एयरपोर्ट जाने में देरी हो रही है। अरे लेकिन चंदू हम लोग एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं यार? क्योंकि मुझे एरोप्लेन देखना है। कमाल है ना चंदू, इतनी बड़ी हो गई अभी तक एरोप्लेन नहीं देखा तुमने। तो शट अप नंदू, खुशबू आ रही है। वो तो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने टॉमी लगाया है ना, इसलिए। टॉमी किसके पीछे लगाया है? पीछे नहीं लगाया यार, मैंने आगे लगाया है। हाँ किसके आगे लगाया है? अरे यार टॉमी की बात कर रहा हूँ, टॉमी, ये टॉमी। भाई तुमने मुझे कुत्ता कहा? मैं नहीं नहीं पागल, तो मेरा भाई है यार। भाई तुमने मुझे फिर से कुत्ता कहा। अबे यार मैं टॉमी परफ्यूम की बात कर रहा हूँ यार। ये टॉमी परफ्यूम कौन है, गुंडा है क्या? नंदू चले। हाँ चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खुशबू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। अबे यार खुशबू ये वाली नहीं यार, वो वाली खुशबू आ रही है, वो वाली। कहाँ से आ रही है? बैंगलोर से। अब भाई मैं तुम्हारी तरह बड़ा वाला थोड़ी हूँ जो इतनी दूर से आती हुई खुशबू सूंघ लूंगा। अब बैंगलोर से खुशबू आ रही, यहाँ कहाँ से सूंघ सकता हूँ मैं? ओहो नंदू अब चले। अरे यार कसम से ये ना मरे अकेला छोड़ कर जा रहे हो, कोई बात नहीं। वैसे ये खुशबू कौन है? उठाइए। उठाना ही था तो फिर फेंका क्यों? आपके लिए। मेरे लिए? स्वीट हार्ट ओनली फॉर यू। इसमें क्या तुम्हारी उम्र लिखी है? नहीं नहीं अपना फोन नंबर लिखा है। तो इसका मैं क्या करूं? रात को बचा फोन करना 12 बजे के बाद। और वो किस खुशी में? इतना खूबसूरत हैंडसम नौजवान तुम्हें बिन मांगे अपना फोन नंबर दे रहा है इस खुशी में? दिमाग खराब हो गया है क्या, सठिया गया है क्या बुढ़े? बुढ़े 4 पैसे की विक पहन के अपने आप को अक्षय खन्ना समझ रहा है? ये लो। एक थप्पड़ मारूंगी ना जोर से तो सारे के सारे दांत बाहर निकल के डांस करने लगेंगे। डार्लिंग अकेले डांस करने का क्या मजा, तुम भी साथ में होती तो डांस करते। ना, अपना नाम मत बताना। पर वो क्यों? क्योंकि आपका नाम आपकी आंखों में साफ लिखा है, शर्मिला। शर्मिला? पर मेरा नाम तो शर्मिला नहीं है। वही तो, आपकी आंखों में लिखा है कि आपका नाम शर्मिला नहीं हो सकता। चांदनी है। यानी मैं बिल्कुल सही था, आपका नाम चांदनी है ना? मेरा नाम चांदनी नहीं, खुशबू है। खुशबू? खुशबू तो चांदनी से भी खूबसूरत नाम है।
इतना सुंदर नाम है आपका। अच्छा हुआ जो आपने अपना नाम चांदनी नहीं रखा, वरना हम दोनों भाइयों की भाभियों का नाम एक जैसा हो जाता। कितना चीप आदमी है। रियली? आपने मेरी तारीफ की क्या? What is that? नहीं। आइए ना, आइए। घर में कोई नहीं है। आओ खुशबू, अपनी खुशबू से इस पूरे घर को महका दो। चांदनी कहाँ है? वो आपको लेने एयरपोर्ट गई है। चलो ना, हम भी एयरपोर्ट चलते हैं। वहाँ सरदार जी के ठेले पे ना गन्ने का जूस मिलता है कमाल का। क्या? अरे हाँ, 7.5 रुपए में एक ग्लास। अब बताओ खुशबू। चांदनी, हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ यार। अरे हम तुम्हें लेने एयरपोर्ट चले गए और तुम यहाँ आ गई। एनीवे, ये है मेरे पति नंदू। हाय। हाय हाय हाय। हो गया। भाई मुंह तो बंद कर लो। एनीवे खुशबू, तुम आराम से बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं यार, कॉफी वॉफी छोड़, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे शावर लेना। अच्छा, तो सामने बाथरूम का दरवाजा है, जाओ। या जाओ पप्पू, देखो। थैंक यू भाभी। अबे घटिया आदमी, बाहर का दरवाजा देख, अंदर का नहीं, समझा? चल जा। जेलस? अंदर का तो मैं देखूंगा। चांदनी, तुम्हारी सहेली को मैं कहीं घुमाने नहीं ले जाऊंगा, अच्छी तरह से ये बात तुम समझ लो बस। नंदू। चांदनी, टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूँ। और तुम जानती हो ना, मैं यहाँ वहाँ घूम फिर के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं बस। ऐसा क्या? हाँ ठीक है, मैं फिर पप्पू को कह दूंगी। तुम्हारी ना बस यही बात मुझे अच्छी लगती है, छोटी छोटी बात का बुरा मान जाती हो। हैं? कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा उसे घुमाने, ठीक है? आप खुश? ओके। सोएगी कहाँ वो? हमारे बेडरूम में। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। और नंदू, बस 2-3 दिन की तो बात है। और तुम कहाँ सोगी? What is that? मैं हमारे बेडरूम में सोऊंगी और तुम हॉल में सोओगे। ठीक है, उसे बुरा तो नहीं लगेगा। What is that? What is that? तुम्हें भी मेरे बगैर नींद नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं आ रही थी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। है? मैं तो तुम्हें पहली नजर में देखते ही समझ गया था कि तुम बड़ी फिल्मी टाइप लड़की हो, और मुझ जैसे हैंडसम नौजवान को देखते ही पहली नजर में फिदा हो जाओगी। अरे क्या हुआ, शर्मा गई ना? मैं भी। पप्पू, तेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई रे। अच्छा सुनो, कल रात जो तुम कह रही थी वो दिल से कह रही थी ना? मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारे इस अफेयर के बारे में ना भाभी को ना पता चले, वरना क्या है ना, हमारे प्यार को नजर लग सकती है। और सुनो, शाम को छत पे मिलने जरूर आना, साथ में कबूतर उड़ाएंगे। आई लव यू टू। खुशबू, ये तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। वेलकम। वाओ, क्या सीन है, इसे कहते हैं रोमांस।
यार चंदू जाके सो ना रूम में, तुम ना टीवी नहीं देखने दोगी मुझे, जाओ जाओ सो। तुम्हारे अंदर से आज अच्छी सी खुशबू नहीं आ रही हैं चंद? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो खुशबू, ऐसा मत बोलो। यू नो मैं जानता हूं मैं हैंडसम हूं, नौजवान हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि मेरी बीवी मेरे लायक नहीं है। आई नो, लेकिन क्या मेरी बीवी को एक हैंडसम और नौजवान की पत्नी बनने का हक नहीं है? क्या उसे उसे ऐसी जिंदगी जीने का हक नहीं है? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, तुम्हें भी एक हैंडसम और नौजवान इंसान को पाने का हक है। Really? क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियों को मुझ जैसा हैंडसम कहाँ मिलता है ना खुशबू? ठीक है, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। मैं भी अपने तरफ से बोल ही देता हूं, आई लव यू टू ओनली, आई लव यू खुशबू। अब तो खुश बोलो ना, बोलो तो। शर्म आ गई पगली। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होंठ जो खिले दिल खिला। आहा, ये क्या है? कॉफी है? मैं कॉफी नहीं, तेरे पति के बारे में बात। अच्छा नंदू, वो कॉफी नहीं पीता। तेरा पति बहुत स्वीट और इनोसेंट है ना? रियली? देखा देखा, यकीन आ गया ना मेरे पति पर? दोनों के दोनों भाई एक नंबर के छोरे हैं। सिर्फ पप्पू है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। नहीं खुशबू, नंदू पापा पे गया है और पप्पू नंदू पे गया है, दोनों एक जैसे कैसे हुए हा? बता मुझे। तू नहीं मान, तू देख लेना। पगली कहेगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। खुशबू अब मैं चांदनी को साफ साफ बता दूंगा, मैं ना तुम्हारे प्यार के बगैर नहीं रह सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे अपने घर से निकाल देगी? कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा, तुम्हारे प्यार के लिए ये बलिदान दे दूंगा खुशबू। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में आके रहूंगा। खुशबू, खुशबू कहाँ चली गई? तुम्हें ये सोच के बुरा लग रहा होगा ना कि तुम अपने दोस्त के प्यार पे डाका डाल रही हो, ऐसा नहीं सोचते? तुम्हारे दोस्त ने भी तो तुम्हारे प्यार पे डाका डाला है। Really? अभी डाकों में टशन तो चलती ही रहती है, वो चलने दो, बस हम और तुम कहीं दूर चले जाए यहाँ से। तैयार हो ना मेरे साथ? ए पगली, चल रही हो अभी तुरंत चेंज करने जा रही हो? अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो खुशबू, मेरी मेरी बात तो सुनो चंदू। अब सुनने को बचा ही क्या है? क्यों, कान है ना तुम्हारे पास? मैंने इन्हीं कानों से सुना है नंदू। ठीक है, जब तुमने सुन ही लिया तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आई नंदू? नहीं चांदनी, शर्म आई थी उस वक्त, बहुत शर्म आई थी मुझे, मैं तो ऐसे भी कर लिया था। पूछो खुशबू से। अबे यार इतनी रात को किसके बच्चे रो रहे हैं?
देखो तुम्हारा भाई कितना घटिया है। पप्पू क्या किया तूने बे? अरे मैं पप्पू की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ नंदू। मेरी बात कर रही हो? हाँ। तो फिर एक बात कान खोलकर सुन लो चांदनी, ये प्यार कोई एक तरफा प्यार नहीं है। जितना प्यार मैं खुशबू से करता हूँ उतना वो भी मुझसे करती है। क्या? हाँ, और ये इश्क है, और इस बार दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। हाँ, ये इश्क की आग नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की हवस की आग है जो भड़क रही है। पप्पू बंद कर अपनी ये घटिया लाइनें, समझा? भाई तुम जैसे घटिया आदमी के लिए तो घटिया लाइन सी लिखी जानी चाहिए। खुशबू सिर्फ मुझसे प्यार करती है भाई, सिर्फ मुझसे। खुशबू सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मुझसे प्यार करती है? खुशबू मुझसे प्यार करती है? मुझसे प्यार करती है। ठीक है, तो फिर फैसला हो जाए। खुशबू तुम बता दो इन लोगों को, मुझसे तुम कितना प्यार करती हो। हाँ खुशबू, इस जालिम दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बता दो इन लोगों को तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना मरती हो मुझ पे। बता दो खुशबू कि तुम मुझसे प्यार करती हो। खुशबू बोलो ना। खुशबू बता दो ना। खुशबू गुस्सा हो गई। खुशबू डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चांदनी कुछ नहीं करेगी। खुशबू, खुशबू ओ जा, शट अप यार। वो नींद में, देखो कहीं जा रही है। नींद में? हाँ नींद में। हाँ बाबा हाँ। भाई इसे रोक लो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पतंग कोई और लूट ले। चुप करो, चलो उसके पीछे। नींद में कहाँ जा रही है? मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ खुशबू, मेरी पहले से ही दो बीवियां हैं, लेकिन सच मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। देखा, मैं ना तुम्हें यही दिखाना चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हारी सहेली के साथ नाटक कर रहा था। रेली नंदू चंदू, नो, तुझे पापा की कसम है छोड़ना मत इसको। तुम्हें भी भाभी नहीं छोड़ेगी मेरी खुशबू। चाचा भगवान, क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? देखा कितना प्यार करती है मुझसे। देखा भी और सुना भी। मेरी गर्लफ्रेंड नंबर 108 वो भी छोड़ के चली गई है। ऐसा है अंकल, एक गाल पे डिजाइन उसने बनाया, दूसरे पे मैं बना दूंगा। उसने तो प्यार से बनाया था, मैं नफरत से बनाऊंगा। खामोशियां बेचैनियां